हेलो नमस्ते और वेलकम बैक टू द चैनल पीपल। मैं हूं आपके साथ अतुल रावत और आप देख रहे हैं रेबार फ्रॉम माउंटेन्स, फ्रॉम दीज ब्यूटीफुल माउंटेन्स। तो काफी लंबे टाइम बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। पिछले हफ्ते हम लोग गए थे केदारनाथ यात्रा पे, उस यात्रा की कहानियां फिर कभी आपको सुनाएंगे। आज फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बासु केदार मंदिर की तरफ और साथ में है हमारे सिबू भाई और शुभम भाई। सामने गोचर का नजारा एंजॉय कर रहे हैं और ये है रास्ता खाल सरमोला वाला, तो इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको दर्शन कराएंगे महादेव के। तो अभी पहुंच गए हम बासु केदार मंदिर के गेट पे। सामने हमारा गेट है और वैसे यहाँ पे कुछ दुकानें हैं लेकिन आज संडे है तो दुकानें बंद हैं। आगे सिब्बू भाई को हमने थोड़ा सा सामान लेने भेजा है, धूप अगरबत्ती वगैरह, और साथ में ही है एक हनुमान जी का छोटा सा प्यारा सा मंदिर। मंदिर के गेट पे ये कुछ जानकारियां लिखी हुई हैं श्री बासु केदार मंदिर के बारे में। तो जी ट्रैक हम स्टार्ट कर चुके हैं और काफी अच्छा रास्ता है, बिल्कुल टिपिकल गांव का रास्ता कह सकते हैं, बिल्कुल खड़ंजे वाला, हल्का फुल्का सीमेंट, नीचे साइड लोगों के खेत हैं, बांझ के जंगल के बीच में ये रास्ता, अच्छी छांव रहती है और इस जंगल के अंदर अलग ही लेवल की फ्रेशनेस, बढ़िया लग रहा है। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद करीबन 500 मीटर बाद यहाँ पे आता है एक पार्वती कुंड। दो छोटे छोटे से कुंड हैं, वैसे अमूमन इस नल पे भी पानी आता है लेकिन आजकल नहीं आ रहा। कुछ डिटेल लिखी हुई है सामने और ऊपर मंदिर के लिए यहाँ से जल ले जा सकते हैं। तो थोड़ी सी और ऊपर आती हुई एक और सुंदर सी जगह है जहाँ पे लोग माता पार्वती को चूड़ी बिंदी और बाकी सारी जो श्रृंगार की चीजें होती है ना वो चढ़ाते हैं। आज रास्ते में थोड़े से रेस्ट करते हैं और एनर्जी बूस्टअप के लिए बिडोला जी कुछ केले लाए हैं, तो एक एक केला खाते हैं और फिर चढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। तो ट्रैक हो चुका है कंप्लीट और सामने है हमारे बासु केदार मंदिर। तो ये है मंदिर का प्रवेश और प्रवेश द्वार पे सबसे पहले आपको माता भगवती का मंदिर मिलता है देखने को, बहुत सुंदर सा प्रांगण। उसके बाद महादेव का मंदिर, यहाँ पे कुछ प्रतीक्षालय हैं और काफी सारे छोटे छोटे मंदिर समूह हैं। जैसे आप अंदर अंदर नजदीक मंदिर के जाओगे, सामने नंदी विराजमान है भोलेनाथ, ये मुख्य मंदिर है यहाँ पे, फिर गणेश भगवान, यहाँ पे हमारे बजरंगबली। मंदिर के थोड़ी सी ही पीछे यहाँ पे धर्मशाला है बासु केदार मंदिर की और यहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं तो उनका किचन भी है। उन्होंने कहा बच्चों आप बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ, तो चाय बन रही है और यहाँ पे माहौल देखिए, एकदम शांति भरा माहौल, बहुत सुंदर नजारा। तो सामने विंटेज गानों का रेडियो लगा हुआ है बाबा जी का और चाय लाए हैं। मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाय खिलाने के लिए। हाँ गांव वाले कह रहे थे कि बाबा जी नए नए आए हैं बल, तो कि बैठना थोड़ी देर, हम यहीं के हैं बाबा जी लोकली के। तो अभी दिन के बजने वाले हैं करीब 2 और हमने महादेव के दर्शन किए, पंडित जी मिल गए थे बाबा जी, तो उनके साथ थोड़ी देर बैठे रहे, चाय वगैरह पी, नज़ारे एंजॉय किए और अभी हम जिस जगह पे हैं
वो जगह भी अपने आप में ही अलग ही लेवल की खूबसूरत है। मंदिर के सामने मंदिर है और मंदिर से थोड़ी सी पीछे बहुत बढ़िया व्यू पॉइंट है, बादल आप सामने देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ बेंचेस भी लगाई गई हैं ताकि यहाँ पे बैठें, और सामने एक बोर्ड भी लिखा हुआ था कि गंगा दर्शन करें। तो ये जगह मेनली मेरे हिसाब से गंगा दर्शन के लिए है। नीचे जैसा आप देख सकते हो सामने गंगा जी दिखाई दे रही है और बगल पे है गौचर, तो थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं मामला, थोड़ी फोटो वोटो खींचेंगे और उसके बाद फिर वापसी के लिए तैयारी करते हैं अपनी। यहाँ पे टाइम स्पेंड करो बढ़िया तरीके से, दिन बन जाएगा आपका इस जगह का। अगर आप विजिट करते हो ना कभी, आपका दिन बन जाएगा सही में। शाम के 3 बज रहे हैं अभी और वापसी का ट्रैक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हम लोग हैं खाल गांव पे और पीछे हमारे से गो और शुभम भाई बैठे हुए हैं। तेज हवाएं चल रही हैं। तो दोनों से पूछते हैं कैसा लगा मंदिर ट्रैक, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था। शुरू करते हैं सिबू भाई से। बहुत मजा आया, अच्छा ट्रैक है, सुकून भरी जगह है और आप लोगों को जरूर आना चाहिए। ओके ओके, तो सिबू भाई ने रिकमेंड किया है कि जरूर आए आप। अब शुभम भाई से पूछते हैं अपने, तो एक्सपीरियंस अच्छा था, ट्रैक पे भीड़ कम थी और टाइम पे तो लोग रहते हैं, सावन सुवन के महीने के टाइम पे अकेले में एंजॉय करना या सोलो या फ्रेंड फैमिली के साथ माना तो आजकल में आ सकते हैं, सही है, बढ़िया रहा एक्सपीरियंस, मजा आया साथ में। ओके तो ये थी एक छोटी सी वीडियो हमारी बसु केदार यात्रा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रिबार फ्रॉम माउंटेन्स को।